So, नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक और योजना जो है बालक और बालिकाओं के लिए निकल कर आ रही है, जो कि जो है पहले 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे थे और 10वीं क्लास में, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो पास करके आए हैं 8वीं और 10वीं क्लास, ये उनके लिए जो है एक बहुत ही बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा जो है मौका है। तो यहाँ पर जो है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत जो है एक नया जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो है निकल कर आ रही है, जिसका पूरा नाम है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार को उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका जो है बजट या फिर जिनके पास पैसे नहीं है अच्छे स्कूल में जाने के लिए, तो ये उनके लिए जो है छात्रवृत्ति योजना जो है चलाई जाती है, क्योंकि वो किसी अच्छे संस्था या फिर स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति को देख सकते हैं पीएम यशस्वी योजना के रूप में जाना जाता है। इस पीएम छात्रवृत्ति योजना के चयन उम्मीदवार जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अन्य अनुसूचित जाति के हैं, इस छात्रवृत्ति के अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं और 15,000 छात्र प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये तक का जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र जल्द ही अधिकारी द्वारा जारी किया अधिसूचना के अनुसार आवेदन पत्र भरने में सक्षम होंगे। इस लेख में हम आपको जो है पीएम यशस्वी से संबंधित जानकारी देने के लिए जो है आपको इस लेख को पूरा पढ़ के जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के योजना शुरू की गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी योजना में भी आपको मिल जाएगा और इसका जो वेबसाइट है वो आपको दे दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डायरेक्ट ही वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो है ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं, जो कि 17 जुलाई 2023 से जो है शुरू किया गया था। आवेदन की अंतिम जो तारीख है वो 5 सितंबर 2023 तक की रखी गई है। अंतिम तिथि के बाद जो है कोई भी नागरिक जो है आवेदन नहीं कर सकता है, उसका जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं सबसे पहले तो योजना का नाम जान लीजिए, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं योजना की शुरुआत जो है किसने की थी, वो भारत सरकार ने की थी। योजना से जुड़ा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। यहाँ से देख सकते हैं योजना से संबंधित जो एजेंसी है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, जो कि NTA है। तो देख सकते हैं दोस्तों कोई भी ऐसा स्कूल जो बड़ी संस्था से बच्चे पढ़े थे जैसे कि 8वीं या 10वीं में, जो NTA में रजिस्टर्ड है, आप वो कैसे जान सकते हैं, तो NTA की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जो है लिस्ट आएगी स्कूल की, अगर उस लिस्ट में जो है उस स्कूल का नाम है और वो उसमें पढ़ के आए हैं तो वो है जो इस योजना के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं योजना के लाभार्थी देश के स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं होंगी। योजना का उद्देश्य क्या है, योजना के उद्देश्य के तहत देख सकते हैं यहाँ पर MSJSE के द्वारा निर्धारित किए गए स्कूलों में अद्यतन यहाँ पर 9वीं और 11वीं के OBC, EVC और DNT वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर NTA, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपने स्कूल को देख सकते हैं कि आपका स्कूल जो है NTA में रजिस्टर्ड है या नहीं, मतलब NTA के अंदर जो है आता है या नहीं। तो देख सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसका आवेदन करने का बाद में मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो देख सकते हैं यह है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना केवल कक्षा 9वीं और कक्षा 9 और 10 दोनों के छात्र के लिए लाभ प्रदान करती है। योजना के तहत 9वीं कक्षा के छात्र 1,000 रुपये वेतन मिलेगा और 75,000 रुपये तक का प्रति वर्ष मिलेगा और 11वीं के छात्राओं को जो है छात्र छात्राओं को जो है प्रति वर्ष जो है 1,25,000 रुपये तक का जो है मिलेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है और इसकी जो पात्रता है वो अगर हम बोलें तो पात्रता क्या है तो वो जान लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है भारत सरकार का स्थायी नागरिक होना चाहिए, मतलब वो छात्र या छात्रा जो है भारत का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन का होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा, इस योजना के तहत केवल OBC, EBC और DNT, RSA, NT, N
एनटी के श्रेणी के आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके अगर कैटेगरी के श्रेणी के लोग हैं तो वो आवेदन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यशस्वी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको जो है शुल्क क्या देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने का आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। यहाँ पर देख सकते हैं योजना के तहत जो है आवेदन करने के लिए आपको जो है शुल्क देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस योजना में 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र का जन्म जो है 11वीं कक्षा में अगर कोई भी आवेदन करना चाहता है तो उसका जन्म जो है 1 अप्रैल 2004 से 2008 के जो है बीच में होना चाहिए, मतलब 2004 से लेके 1 अप्रैल से 2008 के बीच में होना चाहिए तो ही वो जो है अप्लाई कर सकता है। मतलब उसकी जन्म तिथि जो है 2004 से लेके 8 के बीच में ही होना चाहिए। और जो 9वीं कक्षा में जो है अप्लाई करना चाहता है वो जो है 1 अप्रैल 2004 से लेके 2008 के बीच में ये भी होना चाहिए। और देख सकते हैं आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए और 11वीं में करना है तो 10वीं जो है पास होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो वो जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, 8वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, और अगर 11वीं में कराना है तो 10वीं पास सर्टिफिकेट, और देख सकते हैं मेक मेल आईडी, फोन नंबर, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आदि, ये सब चीज़ें आपको जो है चाहिए होगी। और आप जो है इसका जो है आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं उसका जो है ये देख सकते हैं एनटीए, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें एनटीए की वेबसाइट, इसका भी लिंक जो है मैं आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सीधा इस वेबसाइट पर जो है पहुंच सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो मतलब साइट खुल रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूँ, आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखिए। 8वीं में वो पास होना चाहिए तो वो 9वीं के लिए अप्लाई कर सकता है, और 10वीं में वो पास होना चाहिए तो वो जो है 11वीं में अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों उनका जो स्कूल है, जिस भी स्कूल से वो पहले 8वीं या 10वीं में पढ़े थे, वो स्कूल जो है एनटीए में जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है पीएम यशस्वी योजना का जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से खुल के आता है। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है जिसे जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बोला जाता है। यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट टाइम जैसे ही आते हैं तो आपको जो है रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है यार, तो आपको यहीं पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाता है, जिस पर आप अपनी डिटेल्स डालकर यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहां पर जो है आप इसे जो है इनकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो यहां पर आप क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे फॉर्म को भरने के लिए तो यहां पर जो है इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पर जो है क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने को आएगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सो दोस्तों आप इसी प्रकार से जो है यशस्वी योजना में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये रही कंप्लीट जानकारी, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस पर जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है कैसे किया जाता है और जो है नौवीं या फिर 11वीं के लिए जो है अप्लाई कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद जो है आपकी जो है परीक्षा होगी और उस पर जो है जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत होगी और उस पर आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिस पर जो है वो गोला लगाने वाला जो है इस तरीके का जो आप एग्जाम में होता था इस तरीके का, इनको जो है आपको काला करना होता है, उस तरीके का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा। और ऑनलाइन मोड जो है जो अप्लाई करने का है, ये जो है एग्ज़ाम कंप्यूटर में भी हो सकता था, लेकिन कई जो है विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता और वो इस वजह से जो है परीक्षा में पास नहीं हो पाते, इसलिए जो है परीक्षा का जो मोड रखा गया है वो ऑफलाइन होगा। और आपको जो है वहाँ पर थ्योरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिखना, वहाँ पर जो है विकल्प ही आएंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।